हम डिटेन करते हैं तो कन्हैया में राजकीय महाविद्यालय में नशा, साइबर क्राइम में महिलाओं से छेड़छाड़, वे अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए डीएसपी राजीव कुमार ने छात्र छात्राओं को किया जागरूक। डीएसपी ने छात्र समाज और नशे से दूर रहने के लिए किया प्रेरित। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में और मैं हूं संजय कौशिक। प्रिय दर्शकों, कन्हैया राजकीय महाविद्यालय में आज डीएसपी राजीव कुमार ने छात्र छात्राओं से बातचीत की एवं उन्हें विशेषकर छात्रों को नशे से दूर रहने एवं छात्राओं को साइबर क्राइम एवं महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और जागरूक भी किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद करके सवाल जवाब भी किए और छात्रों से आह्वान किया कि वह नशे से दूर रहें। इसी के साथ साथ श्री कुमार ने छात्र छात्राओं से कहा कि अगर उनके साथ साइबर ठगी होती है तो वो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दे ताकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर श्री कुमार ने सभी छात्र छात्राओं से समाज में फैल रही कुरीतियों से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया और अपील भी की। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि अगर आपके आसपास कोई अपराध हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दें ताकि बेहतर कानून व्यवस्था पुलिसिंग सिस्टम मेंटेन किया जा सके। इस मौके पर सिटी थाना प्रभारी मूलचंद के साथ साथ उनका समस्त सरकार व सभी प्रवक्तागण मौजूद रहे। तमाम अन्य प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। कोई जो दूसरे जिले से हो, रेवाड़ी, रेवाड़ी के हैं सर। देखिए, हम पिछले काफ़ी टाइम से जो क्राइम को मॉनिटर कर रहे हैं उसमें कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि नशा एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्राइम होता है और ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई भी है जिससे समाज में भी काफ़ी असर पड़ता है। तो हमने आज नशे के खिलाफ जो अपने युवा साथी हैं कॉलेज में, पीकेएसजी कॉलेज में आके इनको अवेयर किया है, प्लस जो क्राइम केस वुमेन है जैसे यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं उनको भी अवेयर किया है कि भाई अगर कोई ऐसा यूटीजिंग का या छेड़छाड़ का कोई केस होता है तो किसी से डरे घबराए ना, पुलिस को सूचना दे, पुलिस कार्रवाई करेगी, मुनासिब कार्रवाई समय रहते करेगी। इससे ना केवल अवेयरनेस लेवल इन में आएगा बल्कि अपराध को रोकने में भी मदद मिलेगी और कानून व्यवस्था कायम रह सकेगी। यही अपना आज का मैसेज था और इसी के तहत हम यहाँ आके लोगों, इन बच्चों को और टीचर्स के साथ हमने मीटिंग करके अवेयरनेस के लिए कार्य। थैंक यू।